क्रिएशंस, आज मैं आपके सामने ये मिनी डोरा केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे व्यूवर्स की डिमांड थी और ये बहुत इंस्टेंट बनते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मिनी डोरा। तो चलिए मिनी डोरा बंस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ये मैंने 1 कप मैदा ली है, ये मैंने 2-3 कप मैंने मिल्क लिया हुआ है, ये 1/2 कप शुगर है, ये 1/4 कप रिफाइंड ऑयल है, ये मैंने 1/2 स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है। ठीक, बस इतने से इंग्रेडिएंट्स की इसमें जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम इसको साइड करते हैं। एक मैंने देखिए ये प्लेट ले ली है और एक मैंने स्ट्रेनर लिया है। सबसे पहले इस पे मैं स्ट्रेनर में मैं मैदा डालूंगी, ये 1 कप मैदा मैंने डाली है और इसी में मैं ये 1/4 स्पून बेकिंग सोडा और 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर ये मैं डाल करके इसको छान लूंगी। ये देखिए ये मैंने छान के रख लिया है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब मैंने देखिए एक ये बाउल ले लिया है, बाउल में मैं सबसे पहले ये मैंने मिल्क डाल दिया, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मिल्क है बिल्कुल। और फिर मैंने इसमें ये रिफाइंड ऑयल है ये डाल दिया है और इसमें मैं ये शुगर देखिए बना दी है। शुगर मैंने 3/4 कप ली है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मुझे बहुत ज्यादा मीठा पसंद नहीं है इसलिए मैंने थोड़ी नॉर्मल ली। अब मैं इसको स्ट्रेन करूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं जब तक मिक्स करूंगी जब तक इसकी जो शुगर है ना वो एकदम से डाइल्यूट ना हो जाए। अब देखिए ये मेरा मिक्स हो गया है, अब मैं एक स्पून डाल के देखती हूँ, देखिए इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें मैदा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत थोड़ी थोड़ी आप डालिएगा, 1/1 स्पून जिससे कि इसमें बिल्कुल भी नम्स नहीं। तो ये देखिए 1 स्पून मैदा डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया, फिर 1 स्पून मैंने डाली है, फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। बस ऐसे ही आपको पूरा मिक्सचर बना लेना है। ये देखिए ये सारा मैदा मेरा इसमें पड़ गया है और एक ये ऐसे बैटर बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज ना भी डालें, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, जो केक का फ्लेवर होता है वो आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डालना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब ये देखिए ये मैंने एक अप्पम पात्रा ले लिया है, आपके पास ये हो तो आप ये यूज करिए, अदरवाइज आप इडली स्टाइल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोटी छोटी सी बाउल्स लेकर के उसको भी कढ़ाई में रख करके उस पे भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये है इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ। तो इसको मैं हल्का सा प्रीहीट कर लेती हूँ, ये मैं लो फ्लेम पे बिल्कुल प्रीहीट कर रही हूँ, बस हल्का सा इसको प्रीहीट करना है। ये मेरा प्रीहीट हो गया है, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेती हूँ सारे में, और ये इसमें बहुत जल्दी बनते हैं तो मैंने इस टाइम गैस ऑफ करी हुई है, जब मैं इसको प्रीहीट कर लिया है और ये गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं इसको सबको भर लूंगी, तो मैंने ये बाउल से ये मैं इससे निकाल करके और इसमें भर लूंगी। ये देखिए ये मैंने फिल कर दिया है और अब हम गैस ऑन कर देंगे और इसको 3 मिनट्स के लिए ढक देंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने साइड में ऑयल डाल दिया है, ये इजीली हमारे पलट जाए। ये देखिए ऐसे करके अब मैं इसको धीरे से 1 स्पून से, ये देखिए वाओ कितना प्यारा कलर आया है, ऐसे करके मैं सारे पलट लेती हूँ। ये देखिए ये मेरे सारे पलट गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल मैं इस साइड भी डाल दूंगी और इनको मैं थोड़ा सा और साइड से। तो देखिए अब हमारे रेडी हो गए हैं, इसको चेक करने के लिए मैं देखिए ये एक नाइफ को अंदर डाल रही हूँ, ये देखिए ये तो ऑलरेडी उठ रहा है, बट हमारी नाइफ भी एकदम क्लीन आ गई है, इट मींस अंदर तक ये मेरे एकदम रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, देखिए ये बहुत इजीली, देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बढ़िया फूले हुए हैं, ये देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं।
ये मेरे सब, ये देखिए। तो ये देखिए अब हमारे ये मिनी डोरा बंस रेडी है और बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम फूले हुए। आप एंजॉय करें बना करके। ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने स्पॉन्जी बने हुए हैं और बहुत ही यम्मी है।